हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम आगे बीआरएम का सिलेबस। देखो यूनिट नंबर फर्स्ट ऑलमोस्ट हमने कर ली, हाइपोथेसिस इसमें रहता है। यूनिट नंबर सेकंड में भी आपको ऑलमोस्ट बता चुका हूँ रिसर्च डिज़ाइन वगैरह के बारे में बता चुका हूँ, एक्सपेरिमेंटल ये सब कुछ हमारा हो चुका है ना, वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिट नंबर थर्ड में हमारा बसता है, इसके नोट्स मैं बना चुका हूँ, अब कवर करूंगा इसको भी जल्दी से, ठीक है। पहले हम कर लेते हैं यूनिट नंबर फोर, क्योंकि एक सिंपल सी यूनिट है। यूनिट नंबर थर्ड भी बहुत सिंपल है। क्या आपको नहीं पता इंटरव्यू क्या होता है? क्या आपको नहीं पता क्वेश्चन एड्स क्या होते हैं? क्या आपको नहीं पता प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है? वही सब तो स्टडी करना है हमें यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं आपको बता दूंगा, सिंपल सी बात है। ओके, तो यूनिट नंबर फोर हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोशिश करेंगे कि आज ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अच्छा, मुझे अगर आप बताएंगे कि जब हम लोगों ने बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी स्टार्ट करी थी, मैंने आपको बताया था रिसर्च के कुछ स्टेप्स होते हैं, रिसर्च करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें 8 स्टेप्स हैं बेसिकली, है ना। तो 8th वाला स्टेप कौन सा है आपका? रिपोर्टिंग। तो इसी रिपोर्टिंग की बात चल रही है, बात समझ आ रही है आपको? इसी रिपोर्टिंग की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये देखो, रिसर्च रिपोर्ट कह लो या रिपोर्टिंग कह लो, ठीक है, एक ही बात है। देखो क्या कहता है, रिसर्च रिपोर्ट इज द फाइनल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। रिसर्च रिपोर्टिंग एक फाइनल स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। 8th स्टेप आपने देखा था, फाइनली ये वो। फाइनली द रिसर्चर हैज़ टू प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑफ व्हाट हैज़ बीन डन बाय हिम। फाइनली रिसर्चर को क्या बनानी पड़ती है? एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है कि उसने अभी तक जो भी काम किया वो आप बताओ आप लोगों को। राइटिंग ऑफ रिपोर्ट मस्ट बी डन विद संभल करके, ग्रेट केयर, ठीक है, सोच समझ करके आपको क्या करनी है, रिपोर्ट राइटिंग करनी है। क्यों? क्योंकि आपने जो भी किया वो कहाँ से पता लगेगा कि आपने सही किया है गलत किया? आपकी रिपोर्ट से। हो सकता है आपने अच्छा काम किया लेकिन आपने रिपोर्ट गलत बना दी, तो आपकी रिसर्च क्या रह जाएगी? बेकार रह जाएगी। तो रिपोर्ट राइटिंग हैज़ टू बी डन विथ ग्रेट केयर, वो यही कह रहे हैं। रिसर्च टास्क रिमेन इनकम्प्लीट टिल द रिपोर्ट हैज़ बीन रिटन। जब तक रिपोर्ट नहीं लिख दी जाती तब तक ये मैं समझो कि रिसर्च का काम पूरा हो गया। द पर्पज ऑफ द रिसर्च इज नॉट वेल सर्व्ड अनलेस द फाइंडिंग्स आर मेड नोन टू अदर्स। जब तक आपने क्या कंक्लूजन निकाला अपने रिसर्च का, जब तक आप लोगों को ना बता दें, दूसरों को ना बता दें, तब तक आपका काम अधूरा है। यहाँ तक आपको बात क्लियर, ठीक है। तो मेन बातें आपको क्या रखनी है कि ये फाइनल स्टेप है। दूसरी बात आपको क्या रखनी है, प्रिपेयर द रिसर्च, रिसर्च रिपोर्ट बनानी पड़ेगी जो भी काम उसने अभी तक किया है, ठीक है। ये बहुत ही संभल करके करना होता है इस काम को, ओके। और जब तक आप रिपोर्ट नहीं लिख देते तब तक आपका काम इनकम्प्लीट माना जाएगा, और रिपोर्ट के थ्रू हम दूसरों को बताते कि हमने क्या काम किया। बस इतनी बातें याद रखनी है। जो हिंदी वाले उनके लिए मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूँ एट द एंड, ठीक है। उसके बाद देखो, क्वालिटीज ऑफ ए गुड रिसर्च रिपोर्ट। एक अच्छी रिपोर्ट आप किसे मानेंगे? ये तो लॉजिकल बात है यार, एक अच्छी रिपोर्ट आप किसे मानेंगे मुझे ये बताओ। जैसे मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूँ, ठीक है, वो रिपोर्ट अच्छी कब मानी जाएगी बताओ भाई? हम बोलेंगे रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझ रहे हो ना, ऐसे करके मतलब बुक टाइप की होगी जिसके अंदर आपने अपनी सारी बातें लिखी होंगी, ठीक है, किताब टाइप की होगी जिसमें आपने सारी बातें लिखी होंगी, अपनी रिसर्च की रिपोर्टिंग यहाँ पर लिखी होगी। अच्छा, क्या क्या बातें होनी चाहिए बताओ। अगर आप यहाँ से देखना स्टार्ट करें, डायरेक्ट आप बता ही देते हो ना, सिंपल सी बातें। सबसे पहले क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्च रिपोर्ट। एक अच्छी रिपोर्ट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं? कम्युनिकेट विद रीडर। जो भाई रिपोर्ट को पढ़ेगा उसको आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्प्लीटनेस होनी चाहिए रिपोर्ट में, ठीक है, आधी अधूरी बातें ना लिखी हों। कंसाइज होनी चाहिए, ये नहीं कि मतलब जो भी आपने रिसर्च करी ए टू जेड सारी बातें लिख दी, ठीक है, मैं यहाँ गया, मैंने उसके बाद डाटा ऐसे कलेक्ट किया, वो करा, अरे नहीं, हमें मालूम है आपने बहुत मेहनत करी है 5-6 साल, हर एक बात हम सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, जो फैक्ट है वो बस रिपोर्ट में बताओ। कंसाइज, एक्यूरेट, गलत सलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो फिर देख लेना, एक्यूरेट होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव, ओके, ऑब्जेक्टिव कुछ तो होगा आपका रिपोर्ट देने का ऑब्जेक्टिव, ओके, लॉजिकल होनी चाहिए ना, वही बात है जो मैं लास्ट टाइम कह रहा था, कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए थे वो चाइना वाला, कि अगर आप स्पाइसी फूड खाते हैं तो आप नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में 14 साल ज़्यादा जीते हैं। लेकिन मैंने गलत बोला, 14 साल तो बहुत होता है। मैंने फिर से देखा था उस पिक्चर को,
वहां पे लिखा था 14% ज्यादा जीने के चांसेस होते हैं, ठीक है। मैंने भी सोचा यार कि 14 ईयर्स तो बहुत हो जाता है, 14% ज्यादा जीने के चांसेस होते हैं। तो मैं एग्जांपल क्या दे रहा हूँ, मैं ये यूं दे रहा हूँ कि आप लॉजिक तो बताएं उसके पीछे, ठीक है। लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि हमने तो आज तक सुना था भाई कि स्पाइसी फूड खाने से आपको बीमारियाँ लगती हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आपकी एज भी कम होती होगी। लेकिन चाइना की जो रिपोर्ट आई, चाइना की रिपोर्ट कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, आपके नॉर्मल लोगों के हिसाब से 14% ज़्यादा जीने की संभावना हो जाती है। तो ये लॉजिकल बात, लॉजिक तो दो उसके पीछे। प्रोफेशनल अपीयरेंस, ओके, अब एक एक करके हम इसे समझते हैं, ठीक है। तो देखो जरा इसका याद करने का तरीका, देखो याद कैसे करना है इसे। आप बोलना छी छी छी, प्लाव, क्या बोला, छी 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 प्लाव। तो सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेट, सी स्टैंड्स फॉर कंप्लीटनेस, सी स्टैंड्स फॉर कंसाइज, ए स्टैंड्स फॉर एक्यूरेट, एल स्टैंड्स फॉर लॉजिकल, पी स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल, जो वहाँ पर एडियरेंस है वो आपको देनी है, ओ स्टैंड्स फॉर, ओ का मतलब क्या था, ओ का मतलब तो ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और पी का मतलब भी देख लो प्रोफेशनल अपीयरेंस। तो ऐसे याद रख लेना, सी 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 बोलने की जगह आप बोलना छी 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 प्लाव, प्लाव मतलब वो खाने वाला प्लाव होता है ना, तो आप बोलना कि यार छी प्लाव तो बेकार लगता है, छी 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 प्लाव। तो सी मतलब फिर से बताओ कंप्लीटनेस, कंसाइज, सी स्टैंड्स फॉर ये हो गया कंप्लीटनेस कंसाइज और कम्युनिकेट, यस कम्युनिकेट कंप्लीटनेस कंसाइज, ओके। उसके बाद प्लाव, पी स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल अपीयरेंस, एल स्टैंड्स फॉर लॉजिकल, ए स्टैंड्स फॉर ए का मतलब एक्यूरेट, और डी स्टैंड्स फॉर, डी नहीं यार ओ है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो याद रहेगा ये, ठीक है, तो चलो याद भी हो गया हमें। अब देखो सबसे पहली बात, कम्युनिकेट विद द रीडर अ रिपोर्ट। अब मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी है ना, आपको यहाँ से 3-4 पॉइंट याद रखने बस। देखो क्या कहते हैं, अ रिपोर्ट इज ऑफ सम वर्थ ओनली इफ इट्स कंटेंट्स आर इजिली अंडरस्टूड बाय द रीडर। सो कम्युनिकेट विद द रीडर, यार कम्युनिकेट तो होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट। आपने रिपोर्ट ऐसे बना दी कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा, आपने बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर दी, किसी को समझ नहीं आ रहा। तो कह रहा है एक रिपोर्ट का पर्पस क्या होता है कि वो रीडर जो है उसको समझ सकें, ईजिली उसको समझ सकें, ठीक है। द रिपोर्ट शुड बी स्पेसिफिक टू द रीडर इन द टर्म ऑफ डिटेल्स मैंशनड प्रेजेंटेशन एंड टेक्निकल लैंग्वेज यूज। तो उसको हम कह सकते हैं यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट। यूजर फ्रेंडली का मतलब समझते हो, यूजर फ्रेंडली का मतलब है कि उसको यूज कर सके लोग बाग, बात समझ आई आपको, हाँ, इसको हम कहते हैं यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली भी आप कह सकते हो कम्युनिकेट विद द रीडर। तो पहले यहां तक आपको क्या बात पता लगी, यहां तक आपको बात पता लगी कि रिपोर्ट आपकी यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, आप उसके अंदर इस तरह की लैंग्वेज यूज करें जो कि रीडर को आराम से समझ आ जाए, बस इतनी सी बात। फिर देखो द रीडर ऑफ योर रिपोर्ट आर बिजी पीपल, ठीक है, एंड वेरी फ्यू ऑफ देम कैन बैलेंस अ रिसर्च रिपोर्ट, अ कप ऑफ कॉफी एंड अ डिक्शनरी एट वन टाइम। तो यहाँ पर वो थोड़ा भारी भारी शब्दों का यूज कर रहा है, ये कह रहा है कि जो तुम्हारे रिसर्चर है, रिसर्चर नहीं, जो तुम्हारा रीडर है, वो रीडर एक बिजी पर्सन है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो चाय का कप भी लेकर के बैठे, आपका रिपोर्ट भी लेकर के बैठे और साथ में डिक्शनरी भी लेकर के बैठे। तो ये एक बोलने का तरीका उसका कि यार तुम्हारे रीडर के पास इतना टाइम नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट को बनाओ ना जो कि वो इजीली समझ जाए, ओके। टेक्निकल टर्म्स इफ अनअवॉइडेबल देन शुड बी एक्सप्लेन्ड क्लियरली इन दी ग्लोसरी, ठीक है। ये बात भी मैंने आपको बताई थी, ग्लोसरी बताया था ना आपको, अपेंडिक्स जब मैंने बताया था, बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स बताया था। बिब्लियोग्राफी में तो साइटेशन होता है और आपका जो अपेंडिक्स होता है उसमें क्या होते हैं, ये ग्लोसरी वगैरह होते हैं। तो यही बात कह रहा है। तो तीन बातें उसने यहाँ पर बताई हैं, पहली बात उसने बताई कि यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, दूसरी बात उसने बताई कि आपको जो रीडर हो बहुत ही ज़्यादा बिजी पर्सन है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके टेक्निकल वर्ड्स को देखे। तो आपको टेक्निकल वर्ड्स को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर वो अवॉइड नहीं होते तो आपको उन्हें क्या करना चाहिए, क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए ग्लोसरी में। और मैंने बताया तो ग्लोसरी क्या होती है, किताब के लास्ट में आप देखेंगे तो कुछ वर्ड मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड ग्लोसरी, ओके। दूसरा आता है आपका कंप्लीटनेस, छी 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 में दूसरा छी आ गया आपका कंप्लीटनेस, ठीक है। अ रिपोर्ट इज कंसिडर्ड कंप्लीट इफ इट प्रोवाइड्स ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड आंसर
the problem adequately. तो भैया completeness मतलब completeness का मतलब है जितनी भी relevant information आप provide करो, ठीक है, जितनी भी relevant information है provide करो. It is not the length but the content which determine the completeness. ऐसा नहीं है कि मतलब completeness का मतलब आपने 500 पेज की रिपोर्ट दे दी और आपने बोल दिया ये complete है. Completeness का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा number of pages. Completeness का मतलब है कि right information in a right amount. ठीक है ना, सही इन्फॉर्मेशन सही अमाउंट में दे दो. अब चाहे वो आपके एक पेज में क्यों ना आ जाए, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट है बजाय आपकी 1000 पन्नों की रिपोर्ट के. समझ आई बात आपको? ठीक है, तो यही बात कह रहा है कि लेंथ मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका कंटेंट. कंटेंट कितना सॉलिड है, कंटेंट बताता है कि कंप्लीटनेस है या नहीं है. ठीक है, टू शॉर्ट रिपोर्ट में ओमिट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन वेयर इज सेम मे बी लॉस्ट इन द क्लस्टर ऑफ लेंथी रिपोर्ट. कहते हैं रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखना, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लॉस्ट कर देता है, और रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा लंबी कर देना ये भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लॉस्ट कर सकता है. तो आपको क्या लिखनी है, आपको अपनी लेंथ इतनी रखनी है कि जिसमें आपकी सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ईजिली आ सके. द लेंथ ऑफ द रिपोर्ट इज जनरली डिटरमाइंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीडर. अब रीडर कैसा है, आपका रीडर कौन है? अच्छा, रीडर का मतलब आप समझ रहे हो ना, रीडर का मतलब जिन लोगों के लिए आपने रिसर्च करी. अगर वो आम जनता के लिए आपने रिसर्च करी है तो आम जनता आपकी रीडर है. अगर वो गवर्नमेंट के लिए आपने रिसर्च करी है तो गवर्नमेंट इज योर रीडर. अगर वो आपने मारुति सुजुकी के जो की मैनेजरल पर्सनल जो मैनेजमेंट है उन लोगों के लिए आपने रिसर्च करी है, देन मारुति सुजुकी की मैनेजरल पर्सनल और द मैनेजमेंट पर्सनल्स आर योर रीडर्स. बात समझ आ रही है? सो रीडर तो कोई भी हो सकता है. तो आप डिसाइड करो ना, अपने रीडर के अकॉर्डिंग देखो कि कितनी लेंथ होनी चाहिए. अब मारुति सुजुकी के जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं उसके अंदर आप टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ ये है, वीकनेस ये है, अपॉर्चुनिटी ये है, थ्रेट्स ये हैं, ठीक है ना, आपकी आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ इतनी हो रही है, आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आप यहाँ हैं. तो क्या आपको एक एक चीज़ ये डिटेल में देनी पड़ेगी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है? अरे वो तो मैनेजमेंट उससे तो ऑलरेडी पता होंगी यार ये चीज़ें. बात समझ आ रही है? तो उस टाइम पे जब मैनेजमेंट को आप रिपोर्ट दे रहे हो तो वो रिपोर्ट शॉर्ट रख लो. लेकिन अगर आप वो एक लेमैन को बता रहे हो तो आपको चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करके थोड़ा बताना पड़ेगा. तो कंप्लीटनेस भी आपको समझ आ गया मेरे ख्याल से. कंसाइज, वाइल राइटिंग ए रिपोर्ट द रिसर्चर शुड रेसिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ ट्राइंग टू इम्प्रेस द रीडर विद ऑल दैट ही हैज फाउंड थ्रू हिज रिसर्च. कहता है कि हमें मालूम है यार जब तुमने रिसर्च करी होगी ना तो तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आए होंगे, लेकिन हम नहीं चाहते, कृपया करके आप वो सारे फैक्ट्स हमें बताओ. अपनी रिपोर्ट को कंसाइज रखो, छोटी रखो. बात समझ आ रही है? ऑफन व्हेन द रिसर्चर इज अनेबल टू फाइंड द राइट फ्रेज और वर्ड टू एक्सप्रेस हिज आइडिया ही टेंड टू राइट अराउंड इट रिस्टेटिंग इट सेवरल टाइम्स होपिंग द रिपीटेशन विल हाइड द लैक ऑफ पुअर एक्सप्रेशन. अब देखो लैंग्वेज की यहाँ पर कला देखो, उन्होंने इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ कर रखी है जो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है. सिंपल सी बात, वो क्या कह रहा है कि आपको कंसाइज रखनी है अपनी चीज़ें, ठीक है, जो भी रिपोर्ट में आप लिखोगे वो कंसाइज रखो. कंसाइज का मतलब क्या होता है? कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट. ये देखो कंसाइज बोले तो ब्रीफ, शॉर्ट, ठीक है, समराइज्ड फॉर्म में. बहुत ज़्यादा डिटेल मत ले जाओ यार, किसके पास है इतना टाइम आपके 500 पेज की रिपोर्ट को पढ़े. टू बी कंसाइज इज दी एक्सप्रेस टू बी कंसाइज इज टू एक्सप्रेस अ थॉट कंप्लीटली एंड क्लियरली इन द फ्यूएस्ट वर्ड पॉसिबल हाउ एवर. ओके, तो यही कह रहा है कि आपको क्या करना है. कंसाइज का मतलब क्या होता है? कंसाइज का मतलब होता है एक्सप्रेस कर दो क्लियरली कंप्लीटली कम शब्दों में अगर आपके लिए पॉसिबल है. बस इस पूरे पैराग्राफ का क्रक्स यही है. एक्यूरेट, आप खुद ही बता सकते हो कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो एक्यूरेट होनी चाहिए. इट इज़ पॉसिबल दैट डिस्पाइट द इनपुट बीइंग एक्यूरेट द आउटपुट दैट इज द रिपोर्ट में डेवलप इन एक्यूरेसीज. वही बात मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि आपने जब रिसर्च करी तो आपने सारी फाइंडिंग्स वगैरह ठीक रखी, जो भी आपने कंक्लूजन निकाला वो ठीक निकाला, लेकिन रिपोर्ट देते हुए आपने गड़बड़ कर दी तो लोगों को क्या लगेगा? लोगों को लगेगा कि आपने यही रिसर्च करी है, ठीक है, उन्हें थोड़ी पता कि आपने गलत लिख दिया. तो यही कह रहा है कि इट इज़ पॉसिबल दैट डिस्पाइट द इनपुट बींग एक्यूरेट, हो सकता है कि आपका इनपुट सही था, द आउटपुट दैट इज आउटपुट मतलब यहाँ पर रिपोर्ट, द रिपोर्ट में डेवलप इन एक्यूरेसीज, रिपोर्ट में आपकी गलतियाँ हो सकती हैं.
These inaccuracies generally result due to the carelessness in handling the data, grammatical errors, concept phrasing, etc. Hence, a good report should be free such inaccuracies, should be free from such accuracies. तो वो यही बात कह रहा है, एक्यूरेसी का मतलब कि देखो यार, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ठीक है ना, तो इन चीज़ों को थोड़ा संभाल लेना, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसीज. ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिविटी इज द हॉल मार्क ऑफ ए गुड रिपोर्ट. वाइल राइटिंग द रिपोर्ट द रिसर्चर शुड डेसिस्ट फ्रॉम द प्रोक्लिविटी एंड प्रेजेंटिंग द आउटपुट इन द लाइन विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द अथॉरिटीज स्पॉन्सरिंग द रिसर्च. Objectivity requires courage to present and defend the result as they actually are, rather than twisting it to suit this somebody's preference. तो देखो objectivity का क्या मतलब है, सिंपल सी अगर मैं बात बोलूँ, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर objectivity में वो कह रहा है कि जो भी आपका रिपोर्ट, आपकी जो भी रिपोर्ट आई है, एज इट इज़ उस रिपोर्ट को बता दो, जो भी आपने फाइंड किया एज इट इज़ उस रिपोर्ट को बता दो. ये ना करो कि जो आपके स्पॉन्सर हैं उन स्पॉन्सर को अच्छा अच्छा फील करवाने के लिए आप ऑब्जेक्टिव में अपनी रिपोर्ट में गलत गलत बातें लिख रहे हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पर, एक डॉक्टर ने एक पेशेंट का चेकअप किया, उस पेशेंट को कुछ बीमारी है, ठीक है, और उस पेशेंट की डेथ होने वाली है 6-7 महीने में. सो, एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके घर वालों को बता दे कि यार आपके जो ये रिश्तेदार हैं ना, इनकी अब डेथ होने वाली है कुछ समय के बाद. रादर कि आप उनसे पैसे वसूलते रहें कि चलो नहीं, हम तो इनका इलाज कर देंगे, बचा लेंगे. जब आपको पता है यार कि रियल बात क्या है तो उसको बता दो ना. वो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जिस हिसाब से जो बात आपको रिपोर्ट में बतानी है तो वो बतानी है. ये मत करो किसी को मक्खन लगाने के लिए आप अलग तरीके से उस बात को बता दो, क्योंकि जनरली आपको पता होगा कि स्पॉन्सर क्या करता है, स्पॉन्सर रिपोर्ट बनाने के लिए, रिसर्च करवाने के लिए पैसे देता है. अब जैसा स्पॉन्सर चाहता है आप उस तरह की रिपोर्ट दोगे तो ये गलत बात है. इसको मैं कुछ इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ. जैसे कांग्रेस ने एक रिसर्च टीम हायर करी और कहा कि मोदी जी के काम को क्या करो, मोदी जी के काम को चेक करो और हमें रिपोर्ट ला करके दो, क्या मोदी जी ने काम अच्छा किया या बुरा किया. तो मुझे ये बताओ, एक्चुअल में कांग्रेस क्या चाहती होगी कि रिपोर्ट कैसी आई? एक्चुअल में कांग्रेस चाहती होगी कि रिपोर्ट मोदी जी की नेगेटिव आई. अब जब रिसर्चर ने, जब इन लोगों ने रिसर्च करी तो इन्होंने पाया नहीं, मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं. लेकिन इन लोगों ने क्या बोला? इन लोगों ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, ये लोग क्या चाहते हैं, ये स्पॉन्सर लोग क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मोदी जी की गलत रिपोर्ट देना हम, जो कि ये लोग फिर अब न्यूज़ वगैरह चैनल्स में जाकर के उनको बताएं कि देखो ये रिसर्च भी है, ये पता लगा है. तो ये क्या करते हैं, इनको टेम्प्ट करने के लिए, इनके मतलब वो कहते हैं ना मक्खन लगाने के लिए, जो कि ये लोग इनको सवासी दें, वेरी गुड आपने गलत रिपोर्ट लाई है. मतलब कांग्रेस को थोड़ी पता है कि ये लोग गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि हमें क्यों इनको गलत रिपोर्ट देनी है, ठीक है, फिर इनको पैसे मिल जाएंगे. तो कह रहे हैं कि ऐसा मत करो यार, ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखो, ठीक है ना, अपनी ईमानदारी को ध्यान में रखो. ऑब्जेक्टिविटी मतलब जो रिपोर्ट में है उस बात को सच सच बता दो, दैट्स इट. लॉजिकल, अ गुड रिपोर्ट शुड बी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड एंड देयर शुड बी लॉजिक एंड फ्लो इन वट एवर दैट इज रिटन. अ लॉजिकली रिटन रिपोर्ट विल बी अ क्लियर रिपोर्ट. द सीक्वेंस ऑफ वेरियस सेक्शंस शुड बी लॉजिकल एंड आउटलाइन ऑफ द मेजर पॉइंट शुड बी प्रिपेयर्ड. तो वही बात कह रहे हैं सिंपल आसान भाषा में कि आपकी जो रिपोर्ट है वो लॉजिकल होनी चाहिए. अगर रिपोर्ट में आपकी कुछ बात लिखी है तो उसके पीछे लॉजिक भी दो. अगर आपने लिखा है कि 14% जो चांसेस हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी के वो बढ़ जाते हैं, तो उसके पीछे लॉजिक दो, क्यों बढ़ जाते हैं वो चांसेस. तो रिपोर्ट मस्ट बी लॉजिकल. नाउ द प्रोफेशनल अपीयरेंस. अब देखो प्रोफेशनल अपीयरेंस होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट में. आप रिपोर्ट दे रहे हो और वो जो 20 रुपये वाली रफ कॉपी आती है आपके पेजेस में से, तो आपको लगता है कि मतलब ये एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा ना. तो कहते हैं रिपोर्ट जब भी आप देते हो तो उसके जो क्वालिटी होनी चाहिए पेपर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रिंटिंग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है. स्टैंडर्डाइजेशन शुड बी मेंटेन्ड. अब आपने कहीं पर फॉन्ट बहुत बड़ा कर रखा है, कहीं पर फॉन्ट आपने 11 नंबर में कर रखा है, कहीं पर फॉन्ट आपने
58 नंबर पे कर रखा है, तो यार ऐसे थोड़ी था, स्टैंडर्डाइज रखो ना थ्रू आउट द रिपोर्ट. वेन एवर रिक्वायर्ड की इन्फॉर्मेशन शुड बी सपोर्टेड विद द टेबल ग्राफ एंड पिक्चर. और जहां तक संभव हो सके जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करो, ठीक है. जैसे कि मतलब पिछली बार तुम्हारी सेल इतनी थी, इस बार तुम्हारी सेल इतनी है, पिछली बार पॉपुलेशन इतनी थी, इस बार पॉपुलेशन इतनी, मतलब जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसकी जो रिपोर्टिंग कर रहे हो की इन्फॉर्मेशन को आप क्या करो, टेबल के थ्रू प्रेजेंट करो, ग्राफ्स के थ्रू प्रेजेंट करो, ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू प्रेजेंट करो. तो याद रहेगा, ठीक है, अब बिल्कुल याद रहना चाहिए. क्या क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा छी 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 प्लाव, ठीक है. बताओ सी का मतलब क्या था, इसको मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ, देखते हैं कि हमें कितना याद हुआ, है ना. सी का मतलब क्या था, सी का मतलब था जी आपका कम्युनिकेट टू द रीडर. फिर ये सी का मतलब क्या था, कम्प्लीटनेस. फिर सी का मतलब क्या था, कंसाइज. फिर यहाँ पर पी का मतलब क्या था, प्रोफेशनल अपीयरेंस. एल का मतलब तो लॉजिकल, ए का मतलब था आपका एक्यूरेसी, ओ का मतलब तो ऑब्जेक्टिविटी. याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए, आपको केवल की पॉइंट्स याद होने चाहिए, अंदर जो लिखा है उसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है. चलो जी याद करो, मैं कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में.